नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के मेरठ की बात करते हैं, जहां पर छात्राओं के साथ लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं और प्रदेश की सरकार महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा का दावा कर रही है। एक बार फिर ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, मेरठ में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चार युवक एक छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें कि दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लड़के एक लड़की का रास्ता रोककर कुछ बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस लड़की की मर्जी के खिलाफ है। संज्ञान में ऐसा आ रहा है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है तथा थाना किठौर के क्षेत्राधिकार में आता है। इस पर पुलिस की तरफ से स्वयंभू FIR दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के की शिनाख्त के प्रयास किए गए हैं और संभवतः जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। होलिका दहन के दिन यानी बुधवार शाम 4:30 बजे हिसार के गांव बालसमंद में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 15 महीने के नदीम को 49 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। शुक्रवार शाम 5:30 बजे आर्मी और NDRF की टीम ने बच्चे को बाहर निकालते ही कपड़े में लपेटा और उसके तुरंत बाद एम्बुलेंस से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। बच्चे को बाहर निकालने के दौरान सुबह से ही घटनास्थल पर जुटी भीड़ उत्साह से भर गई और तालियां बजाकर आर्मी टीम का स्वागत किया। पुलिस के जवानों ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को पीछे हटाते हुए बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। करीब 7 गाड़ियों का काफिला एम्बुलेंस टीम के साथ निकला और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज तक रोड को एक तरह से खाली कराया गया। लड़का मैंने देखा है, सही लड़का है। हाँ, एकदम सरसी में नहीं है, बिल्कुल चुस्त है। प्रशासन ने क्या बताया? प्रशासन ने बताया अच्छा है, अच्छा है, हालात ठीक है। हालात बिल्कुल ठीक है, पहले थे ऐसे ही। आप संतुष्ट हो? असंतुष्ट है। आपने देखा है बच्चा? हाँ, मैंने देखा, खुद दिखाया। अच्छा, आपकी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने क्या दिया? जिसने बोले बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी बोले अच्छा हो गया, शुक्रिया। तो अब प्रशासन के लिए, इनके लिए, सेना के लिए क्या आप कहना चाहोगे इनके लिए? इतना अच्छा काम किया है तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे? किसी का बढ़िया, जो बच्चा निकल गया अच्छा हो गया, इनके बड़ी बड़ी बधाई हो। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम आजम अली सर। पूरा बता दो, ये जो ये पिछले 48 घंटे से हम लगातार इस ऑपरेशन कर रहे थे और मैं मुख्य तौर पर इंडियन आर्मी, NDRF और गांव के लोगों को और हमारे जिला स्तर के अधिकारीगण को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में सबने बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही तत्परता से काम किया। इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत आई उसको लोकेट करने में, तो उसके लिए हमें HDD ट्रैकर और जो टोटल स्टेशन मशीन थी उसकी बड़ी हेल्प मिली। अदरवाइज़ हम स्टार्टिंग में हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी डेप्थ पर बच्चा है और कितनी उसकी लोकेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए थे। बट लकीली हमें एक HDD ट्रैकर मिल गया, उससे बड़ी आसानी मिली और हम एग्जैक्टली लोकेशन पहुंच पाए। ऊपर से हम देख पा रहे थे कि हमारी टीम कहां जा रही है, तो उससे हमें काफ़ी बड़ी हेल्प मिली। और बच्चे को हमने, क्योंकि कल उसने फ्रूटी भी पी थी और बिस्कुट भी खाए थे, तो बहुत ही स्वस्थ अवस्था में है और बच्चा बहुत ही बहादुर है और वो हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, NDRF टीम ने उनको निकाल लिया और अब अग्रोहा पहुँचा दिया है और उनका पूर्ण उपचार किया जाएगा। जब वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा तब उनके माँ बाप को सौंपा जाएगा। जो इस रेस्क्यू में विलेजर्स थे उनको भी कोई प्रमोट करना? बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सरपंच और उनके जितने भी लोग थे, पंच और गांव वाले लोग, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो काबिल तारीफ है। उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं, जिन जो लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। सर, ये जो बोवेल है और 54 फीट के नीचे बच्चा था और हमारी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की वो हमने लगभग 50 फिट नीचे जाके फिर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, वो लास्ट पॉइंट पर 3x3 स्क्वायर फिट की थी, तो उससे हमने फिर लगभग 51 फिट के आसपास हमने ड्रिल की, 51 और 52 के बीच में, फिर उसको हाथ से निकाला। अग्रोहा की अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज में, तो स्पेशल वार्ड बनाने की, उसमें ऑलरेडी स्पेशल वार्ड बनाया हुआ है, ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है और स्पेशल डॉक्टर्स भी हमारे जनरल हॉस्पिटल से भी गए हुए हैं, लोकल डॉक्टर भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं। अभी जो नीचे भी डॉक्टर्स गए थे सर, जैसे टेम्परेचर मेंटेन किया, तो उन्होंने बताया सर कि कुछ चोटिल वगैरह? बिल्कुल सामान्य स्थिति है बच्चे की, कोई दिक्कत नहीं है और बच्चों को अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि 48 घंटा बच्चा, 48 घंटे से अधिक बच्चा नीचे रहा है और टफ कंडीशन में रहा है, तो
स्वाभाविक है कि थोड़ा स्वास्थ्य फर्क पड़ता है, लेकिन स्थिति बिल्कुल सामान्य है और मेरा मानना है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराकर वो उसकी सामान्य स्थिति हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी एक बार जी हो गया।